साध संगत जी देव आशीष प्यार नाल आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। धन गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह आसाम की मुहिम ते गए राजा राम सिंह जिन्हों औरंगजेब बादशाह मरवाना चाहता सी कि इनू आसाम की मुहिम ते भेज देने उत्थे मारिया जाएगा क्यों उत्थे गया होया कदे कोई वापस नहीं मुड़िया। उदों दे लोग जड़े ने बड़े जंतर मंतर जाणदे ने ते कई वड्डे वड्डे सूरमे राजे कहिंदे कहाउंदे जड़े ने वह भी उत्थे मारे गए ने ते राजा राम सिंह केड़े बाग दी मूली है भी मारिया जाएगा। पर उहदी घरवाली राणी जिहड़ी है उन्हें गुरु घर की महिमा धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह की वडियाई सुनी हुई है। उन्हें अपनी सस नाल गल की, सस ने फिर अपने पुत्र राजा राम सिंह नाल गल की कि जे तू जाना चाहना आसाम की मुहिम ते तो चलिया जा, पर जाने तो पहला गुरु घर की महिमा सुन लै, उन्हां दे दर ते जाके उन्हां दा आसरा मंग, उन्हां तो ओट मंग, गुरु साहब नूं जाके बेनती कर जेकर उन्हां तेरी बाँह फड़ ली ना ते फिर भावें जिन्नियां मर्जी नेरियां झुल जाण तेरा कोई कुछ भी विगाड़ नहीं पावेगा। बस एक बार गुरु साहब तेरी बाँह फड़ लैण, जिहदी बाँह सुनिया कि वह फड़ लैंदे ने फिर बंदा चाह के भी उन्हां तो बाँह नहीं छुड़ा पाता। सतगुरु इन्ने वडियाई दे मालक ने, जा पुत जे तू जाना चाहना जा, ते जाना भी पैना, जे नहीं जाता तो औरंगजेब बादशाह दा आग्या उहदी आग्या ना मन्नण करके तेनू वह सज़ा लावेगा। हो सकदा उह इत्थे तेनू मरवा देवे जां कैद कर देवे, इस करके तेनू जाना पैना ते जा। वो फिर गुरु तेग बहादुर महाराज दी शरण विच गया सी, पातशाह आसरा दिओ। तो महाराज ने आख्या ठीक है राम सिंह, मैं तेरे नाल चलांगा, आसाम की मुहिम पूरी करवावांगा तेरे नाल चल के। गुरु साहब खुद आप इहदे नाल गए सन, कुछ संत महात्मा महापुरख भी महाराज दे फिर नाल गए, गुरसिख भी गए कुछ, पर गुरु जी का जिहड़ा परिवार आ ते कुछ कु सिख संगतां जिहड़ियां ने उहनां नूं महाराज ने पटना साहब ते विखे छड़ दित्ता सी कि असीं मुहिम फतेह करके करवा के फिर वापस आवांगे। सो आप जी ने सारा इतिहास सरवण किया किवें किवें गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह राह दे विच विचरदे सन, संगतां नूं निहाल करदे गए ते गुरु साहब जी आसाम दी मुहिम उत्थे पहुँचे, उह फतेह करवाई, दोनों राजियां दी आपस विच सुलह करवा के गुरु महाराज सच्चे पातशाह ने सब नूं सुखी वसदा कर दिता। क्योंकि बाणी विच मारे कहिंदे ने सतगुर सभना दा भला मनाएं दा, कि गुरु ते सारयां दा भला चाहुंदा आ करदा आ। इस करके गुरु महाराज नहीं कि इधरले राजे दे नाल आ ते उधरले दे खिलाफ आ, बल्कि गुरु साहब सच्चे पातशाह ने दोनों राजयां दी सुलह करवाती। फिर काफ़ी साल बाद महाराज सच्चे पातशाह उत्थों फिर वापस परते ने, काफ़ी साल लग गए क्योंकि साहबजादा गोबिंद राय जी बाल गोबिंद राय महाराज सच्चे पातशाह जी का जदों मेल होया 4-5 साल की उम्र महाराज की दसदे ने। महाराज ने पहला अपने साहबजादे का चेहरा नहीं सी देखिया, 4-5 साल की उम्र महाराज की दसदे ने जदों आपस में मिले ने। तो साध संगत जी ये मुहिम फतेह हुई, फिर कुछ समा कुछ साल मारे उत्थे रुके रहे ने आसाम विखे, लागे लागे के जड़े नगर सन होर थां सी उत्थों दे संगतां नूं भी महाराज निहाल करदे रहे। सो गुरसिखी का प्रचार करने उपरंत महाराज सच्चे पातशाह ने राजे राम सिंह नूं आख्या कि हुण आपां पटने साहब नूं वापस जाना है, पटने शहर नूं वापस जाना है। तो राम सिंह तो पहला ही उड़ीकदा सी कि कदों महाराज कहण वापस जाण लई, तो जाके गुरु जी के घर विच जिहड़ा बाल होया है, जिस बाल ने प्रकाश धारण किया आ उस बालक दे मैं भी दर्शन करा कि महाराज दा साहिबजादा किवें दा जापदा, मैं भी उस बाल दे दर्शन दीदार कर लेवा। सो महाराज दे कहण दी देर से राजे राम सिंह ने फुल तैयारी की, नगारे वजवा दिते फतेह दे ते चलण दे।
धन गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी की कृपा दे नाल ये काफिला जिहड़ा आसाम की मुहिम फतेह की है जिन्हें सारा वापस चलिया। गुरु जी सवेर के समय चलते ने, दोपहर तो बाद जां दोपहर दे वेले साह संग रुक जाते आराम करते हैं, फिर रात उत्थे कट के जिथे डेरा किया फिर अगले दिन फिर मारे चलते। इदा चलदियाँ चलदियाँ भी राह दे विच भी किन्ना ही समा बीत गया। गुरु जी लई कई बारी पालके भी तैयार कर देंदे, पालक विच मारे सवार हो जाते कई बारी घोड़े ते, ते जिथे जिथे भी गुरु साहब आउंदे समय डेरा करदे आ स्थान करदे ने ना, संगतां नूं पता लग जांदा कि महाराज आए ने उत्थों दे उन्हां नगरां दे संगत जिहड़े आण के गुरु जी नूं मिलदी दर्शन करदी अपनी भेटा मारे नूं दे भेट करके गुरु साहब तो आशीर्वाद लै के सारे अपने घरां नूं जांदे ने। सो महाराज इदां रुकदियां रुकदियां राह दे विच चलदियां चलदियां डेरा करदियां होइआं सतगुरु साहब सच्चे पातशाह पटना साहब वल जा रहे सन। तो भाई संतोख सिंह जी इधर का इतिहास लिखते हैं पटना साहब का कि बाल गोबिंद राय जी कई बार बालकों बाहर लैके जाते हैं खेडते ने, तो उन्होंने चंगिया विचार सिखाते हैं कि जुल्म के अगे झुकना नहीं, जेकर कोई जबरन कवे कि सिर नीवा करो तो सिर नीवा नहीं करना, कटदा तो कट जाए। बाल अवस्था के मारे गल्लां समझाते हैं कि किसी का जुल्म नहीं सहना, जिमें आप जी ने पिछली साखी सरवण की है कि जदों हाकम आया सरकारी तो साह संगत जी चौबदार ने कह दिता बालको सिर नीवा करो सत्कार करो हाकम का, जदों इदां दीआं कई गल्लां आखियां तो मार ने आखिया नाल दे साथी बालकां नूं कि तुसीं सिर नहीं झुकाउणा, उल्टा जे जबरन सिर झुकांदे ने ना तो इन्हां नूं दंदियां कढ़नियां ने, उदां ही कीता गया। तो बाद विच मारे होर भी गल्लां समझांदे फिर गुलेलां बना के लियांदे ने गुलेला, पर वह निशाने खुद लाउंदे ने, इन्हां नूं भी सिखांदे आ निशाना लाउणा। सो माता गुजरी माता नानकी जी चाहते सन कि बालक बाहर घूमे फिरे, पर किते ना किते चिंता भी होंदी सी बाहर गए ने कदों वापस आणगे। माता गुजरी जी ने निहारदे रहना बाल गोबिंद राय अपने साहबजादे नूं निहारी जाना, जदों आउणा ते फिर साध संगत जी तृप्ति जिवें मिलदी इदां जपना, बड़ा लाड प्यार करना। हुण बालक बाहर ना जावे इस करके वह की करदे ने माता जी इन्हां नूं कोल बिठा के दादा श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी दीआं साखियां सुणांदे कि किवें महाराज सच्चे पातशाह जी ने तुरकां दा नाश कीता, किवें गुरु साहब सच्चे पातशाह ने जुल्म दा खात्मा कीता, किवें उहनां ने जंगां जिहड़ियां चार लड़ियां ते जित्तियां उहनां दी सूरमताई उहनां दी वडियाई महाराज नूं सुनाणी ते गुरु साहब सच्चे पातशाह जी कृपा करन गोबाल गोबिंद राय साध संगत दे वडियाई महिमा सुन सुन के उहनां बड़े खुश होणा ते बाहर घूमण जाणा भुल जाणा। तो आप खुद कई बार कह कह के साखियां सुननियां कि मैनू होर साखियां सुनाओ। फिर माता जी ने गुरु नानक साहब दीआं विचारां सुनाणियां, पहले गुरु साहिबान जिहड़े ने उहनां सारिआं दीआं विचारां समझाणियां, तो कई बार पंजाब दी गल करनी ते फिर सतगुरु पातशाह जी कृपा करन बाल गोबिंद राय जी ने कहना माता जी मेरा बड़ा मन करदा कि मैं भी पंजाब विच जावां उस अस्थाना दे दर्शन करां जिथे दादा जी ने जंगा लड़ियां ने, जिथे बाकी गुरु साहिबाना ने चरण पाए ने, मेरा चित करदा। कई बार कहना पर माता जी ने टाल देना। सो इदां रोज़ ही साध संग समा लंघदा गया। माता नानकी जी ने कई बार सुनेहा भेजना गुरु तेग बहादुर महाराज नूं कि तुसीं आओ, पर अज जदों गुरु साहब उत्थों चले सन आसाम तो महाराज ने एक चिट्ठी भेज दिती सी कि असीं आ रहे हां। हुण महाराज सच्चे पातशाह जी दी जदों चिट्ठी पहुँची है वह चिट्ठी माता जी ने आप पढ़ी, माता गुजरी जी नूं सुनाई माता नानकी जी ने, ये खुशखबरी मामा किरपाल चंद जी नूं मिली ते बाल गोबिंद राय जी नूं भी दस्या गया कि तुहाडे पिता जी इदां राम सिंह जिहड़ा राजा है उहदे नाल आसाम दी मुहिम ते गए सन,
ਉਹ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਵਾਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰੁਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਆ। ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਸਾਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਅਣਹੋਣੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੋਣੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਸਾਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਾਂ, ਜਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖੀਂ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਵਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਸਥਾਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕਿਆ ਆ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦਿਖੇਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।